अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ इकरा जैन और आप देख रहे हैं आइजेड खान। आज मैं आपके लिए हाथों पांव के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी लाई हूं। जैसे कि आपको पता है सर्दियों का मौसम आ रहा है, सर्दियों में हम लोग के हाथ पांव बहुत डल हो जाते हैं, स्किन बहुत अनइवन हो जाती है, ड्राई हो जाती है, तो उसके लिए आज मैं बहुत अच्छी आप क्रीम कह लें वो लाई हूँ। अपने हाथ पांव के अलावा आप इसे अपने फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं और इंशाल्लाह इसका मैजिकल रिजल्ट होगा। इससे आपके फेस के एक्नी मार्क्स, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, अनइवन स्किन, डल कलर, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह सेट होंगी। आपकी स्किन फेयर, क्लियर और क्लीन और ब्राइट हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आए बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ले लेंगे 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जैसे कि समझा जाता है कि रिएक्ट करता है हम लोग की स्किन पे, ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ये हम लोग की स्किन के लिए बहुत अच्छा है और ये एक बहुत अच्छा एक्सफोलिएटर है और ये हम लोग की बेसिकली हम लोग की स्किन की जो कि डेड लेयर है ये उसको रिमूव करता है, हम लोग की स्किन को क्लियर करता है। इसके बाद हम लोगों ने ले लेना है 1 टीस्पून मिल्क, ड्राई मिल्क। इसमें लैक्टिक एसिड होता है और ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है हम लोग की स्किन को बेहतर बनाने के लिए। 1 टीस्पून ड्राई मिल्क हम लोगों ने इस पे ले लिया। अब इसके बाद हम लोगों ने लेना है इसमें 1 टीस्पून एलोवेरा जेल। जैसे कि आपको पता है ये हम लोग के रिंकल्स को खत्म करता है एलोवेरा जेल। थर्ड हमने इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून ऑफ एलोवेरा जेल। आपको पता है ये हम लोग की स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हम लोग की स्किन की ड्राइनेस को ख़त्म करता है, हम लोग की स्किन को हील करता है। उसके अलावा हमारी जो कि स्किन में रिंकल्स होते हैं इन चीज़ों को ख़त्म करता है, एंटी एजिंग है। अच्छा जी, इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ऑफ हनी। आप सबसे पहले ले लें वैसलीन, अगर वैसलीन नहीं है तो आप हनी ले लें। अच्छा जी, मेरे पास हनी था तो मैं वही ही ले रही हूँ। 1 टीस्पून ऑफ हनी, आपको पता है ये बहुत ही अच्छा हीलिंग प्रोडक्ट है। तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स होके क्रीम की फॉर्म में आ गया है। अब आपको मैं इसका यूज़ बताती हूँ। इसका यूज़ कुछ यूँ है कि आप इसको अपने रब नहीं करना, हल्के हाथों से अपनी स्किन पे लगाएं, रात को आप अपने फेस पे लगाएं, कोई इशू नहीं है, हाथों पे लगाएं, पाँव पे लगाएं, कोई भी इशू नहीं है, फुल बॉडी पे यूज़ करें। इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छी इसको क्रीम कह लें। आप इसको लगा के 2-3 घंटे के लिए हल्के हाथ से लगाना है, रब नहीं करना, 2-3 घंटे के लिए इसको लगा के छोड़ देना है। और अगर आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी आप रहने दें। अगर आप इसे ओवरनाइट रहने देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है, 2-3 घंटे आप इसको छोड़ दें, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा आपको। पहली मरतबा ही यूज़ करके इसका रिजल्ट इंशाल्लाह मिलेगा। और हाथ पाँव पे यूज़ करें, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट लाजिम कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।